तो वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील जफर याब जिलानी ने कोर्ट से बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात की। उन्होंने कहा कि वो फैसले का सम्मान करते हैं लेकिन संतुष्ट नहीं है, वो अब आगे की रणनीति पर विचार करेंगे। चीजें कभी हमने नहीं कही है, हमने हाईकोर्ट के बारे में नहीं कहा है, ये आप समझ लीजिए। ये वो लोग कहते हैं दबाव वाली बात, जो जजमेंट नहीं मानते, हमने कभी नहीं कहा है किसी फैसले को। हाईकोर्ट के फैसले में हमने कभी नहीं कहा दबाव का है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम पूरी रिस्पेक्ट देते हैं। सुप्रीम कोर्ट को पूरी रिस्पेक्ट हमेशा दिए, आज भी दे रहे हैं। जजमेंट से डिसएग्री करना ये हमारा राइट है, लेकिन तो हम उसको डिसएग्री करेंगे रिस्पेक्टफुली। हम कोई चीज़ ऐसी नहीं कहेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट के वकार को गिराए, उसकी डिग्निटी को कम करे। सुप्रीम कोर्ट जो है उसके सारे मुल्क की तवक्कात उससे हैं और हम उस पर, हमें एतमाद है पूरा, हमने हमेशा एतमाद किया है। लेकिन गलती किसी से हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने दर्जनों केसेस में अपने जजमेंट रिव्यू किए, अंधूरे केस में किया है, तो ये तो जजमेंट में गलती हो सकती है जजेस से। उसको रिव्यू करने के लिए हमारा राइट है, सुप्रीम कोर्ट रूल्स में भी है, सिविल प्रोसीजर कोड में भी है। तो अगर वो हम बोर्ड ने इसको वर्किंग कमेटी ने डिसाइड किया तो हम इंशाल्लाह रिव्यू फाइल करेंगे। एसआई की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो वहाँ पर मटेरियल मिला वो 12th सेंचुरी के रिजेंबल से टेम्पल से रिजेंबल करता था, लेकिन 12th सेंचुरी से लेकर 1528 तक वहाँ क्या रहा है इसके बारे में कोई एविडेंस नहीं। तो ये 300 साल का गैप उन्होंने माना है। हमारा ये कहना है कि जजमेंट में जो उन्होंने प्रोनाउंस किया उसमें कहीं नहीं मिला कि हिंदुओं का केस ये नहीं था कि 12th सेंचुरी का टेंपल डिमालिश किया गया। हिंदुओं केस था कि विक्रमादित्य के ज़माने का टेंपल डिमालिश किया गया। उस पर हमें जजमेंट में जो पोर्शन सुनाए गए हैं वो कहीं सुनने में नहीं आया। पूरा जजमेंट पढ़ने के बाद हम देखेंगे, क्योंकि बुनियाद उनकी है। सूट नंबर 5 में फ्रेंट एलिगेशन ये थे कि विक्रमादित्य के ज़माने में मंदिर बना था, जो विक्रमादित्य का ज़माना आपको मालूम है ईसा मसीह के बराबर 57 साल पहले का ज़माना, यानी 2000 साल पर उस ज़माने के। ना तो ईसाई की रिपोर्ट में कोई स्ट्रक्चर मिले हैं, ना उस ज़माने के कोई आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। मस्जिद की कोई कीमत नहीं, मस्जिद को फरोख्त नहीं किया जा सकता, हमारी मिल्कियत नहीं, मिल्कियत अल्लाह ताला की होती है। लिहाजा उसके बदले में कोई चीज़ देना, 5 करोड़ या 500 करोड़ जमीन की भी कोई वैल्यू नहीं। वो उसका इसका मतलब ये है कि हमारे जो कंसेप्ट था उसको समझा नहीं गया। हमारा कंसेप्ट ये नहीं था ज़मीन का, ज़मीन जो डेडिकेटेड है मस्जिद के लिए, जहाँ पर यूज़र था हमने उसको माना है कि हाँ चबूतरे पर उनका यूज़र है, उसके ऊपर जो राइट बनते हैं आप दे सकते हैं। लेकिन जहाँ उनका कब्ज़ा नहीं था, माना गया है कि 1949 में मूर्तियाँ रखी गई, जाहिर है वो हाईकोर्ट ने माना था। तो ये सब मानने के बाद भी ज़मीन उनको पूरी दे देना, ये हमारे लिहाज से जस्ट नहीं है। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।